जय हिंद। आज हम फिर से लाइव आए हैं फिजिकल एजुकेशन की क्लास के लिए, 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड कैरियर एस्पेक्ट्स। स्टूडेंट्स, कल जो हमने टॉपिक किया था उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। हमने किया था मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, and then need of physical education, why do we need and what are the career aspects in physical education. Now in coming forward, jo hamara next topic hai physical education mein abhi, wo hai hamara competitions in various sports at national and international level. National aur international level par jo hamare sports hote hain, main dekh pa rahi hu ki abhi shayad live nahi show ho rahi hu main, isliye students aap jaldi se facebook ko join kijiye, 5 बजे से हमारी क्लास शुरू होगी यहाँ पे। तो उससे पहले मैं कोशिश कर रही थी कि एक बार चेक कर लूं। It's not appearing live here on the kvsrodelhilive1 secondary. Let me check my connection first. Okay. It's live. I don't know, something is happening here. Okay, we continue with our class, national and international events in sports. बेटा अगर हम national events की बात करें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एक पॉइंट आपको क्लियर कर दें पहले कि गेम है क्या चीज, स्पोर्ट्स है क्या चीज। वैसे नॉर्मली इन दोनों टर्म्स को अब एक ही मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो तो आपसे पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम एंड स्पोर्ट्स। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो गेम है, गेम उनको बोला जाता है जो आप अपने रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं, जिसमें आप एक ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप कोई भी अपने घरेलू खेल खेलते हैं या अपनी आपकी बाउंड्रीज होती हैं, आपने खुद ही एक क्रिकेट ग्राउंड छोटा सा बना लिया और उसी में अपने रूल्स बना लिए, अपने आप पार्टिसिपेंट्स भी आपने खुद फिक्स कर लिए, एक टीम में 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक में 5 हैं, उसको बोलेंगे हम गेम। और जो गेम खेलता है उसको हम बोलते हैं प्लेयर, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ गेम लाइक दैट। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है वो आपका कहलाता है स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट। ये एक मेन डिफरेंस है इसमें। और स्पोर्ट्स में खेला जाता है कंपटीशन के लिए, एक स्प्रिट के लिए, एक फ्रेंडशिप वे में भी खेला जाता है स्पोर्ट्स, लेकिन उसके एक फिक्स रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहां एक इंडिविजुअल की मर्जी नहीं चलेगी। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस की बात करेंगे तो वो स्पेसिफाइड होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गेम एंड स्पोर्ट्स। बट नाउ इन बुक्स वी कैन यूज द गेम एंड स्पोर्ट्स वर्ड फॉर द सेम मीनिंग। हियर For if we come to the national level tournament, just come to your school. School में आप participate करते हो, आपका KVS regional, national, उसको हम national level tournament, यहाँ अगर इंडिया के वे से देखेंगे तो वो नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है वो एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है स्कूल के बच्चों के लिए। और इसके अलावा और क्या है नेशनल लेवल का टूर्नामेंट जो कॉलेज के बच्चों के लिए होता है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, वो भी एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है। अगर आप और बात करें तो आपका जो कबड्डी में हो रहा है प्रो कबड्डी लीग, वो भी एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है। आपके जितने भी नेशनल लेवल पे कप ट्रॉफीज होते हैं वो सभी नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में आ जाते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं आप सब जानते भी होंगे, जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं, जैसे कि फीफा, किस गेम में होता है फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का। और आपके जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का है, हॉकी का है, जितने भी आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, विश्व बेसबॉल का, बास्केटबॉल का, जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं वो इसमें आ जाएंगे आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में। अब जो एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हम
मिक्स करके भी खिलाते हैं। यहां हम बात करेंगे इन टूर्नामेंट्स की, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कौन कौन से होंगे। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट जो आजकल वर्ल्ड में चल रहा है वो कौन सा है। इंडिया के नेशनल इवेंट पे हम थोड़ी देर इसके बाद आएंगे। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में जो सबसे ज्यादा इवेंट चल रहा है वो है फिलहाल ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक है वो? समर ओलंपिक। कब होता है? हर 4 इयर्स में होता है। 1896 में एथेंस की शुरुआत हुई थी और हर 4 साल के बाद ये होता आया है। बीच में एक दो बार एक्सेप्शनल केस हुए, जो वर्ल्ड वार हुआ था तभी ओलंपिक नहीं हुआ। और उसके बाद सेकंड है विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक भी 4 साल में होता है, लेकिन ये समर ओलंपिक के 2 साल बाद होता है। उनके गैप बीच में 2 इयर्स का गैप आएगा। अभी जब विंटर ओलंपिक्स में हम विंटर गेम्स खेलते हैं, जो आइस गेम्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्लेयर्स। इसके बाद क्या है? पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में आपको पता ही है जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, स्पेशल नीड्स के जो पर्सन है, वो इसमें पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम स्कूल लेवल के बच्चों की बात करें तो एक नया है यूथ ओलंपिक्स। यूथ ओलंपिक में 14-18 ईयर्स ऑफ एज स्टूडेंट्स ये पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स रियली अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये यूथ ओलंपिक, और इसमें स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर भी बहुत अच्छे से करती है। अगर आप इसमें इसके लिए तैयारी करें इन द बिगनिंग ऑफ द एज, इट्स रियली वेरी गुड इवेंट फॉर यू। इसके अलावा और कौन सा गेम है जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स आता है? आपका कॉमनवेल्थ गेम्स इन एवरी 4 ईयर्स द सेम थिंग। कॉमनवेल्थ गेम में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? जो आपकी इंग्लिश जुडिशरी के अंडर आती थी। इसके अलावा एशियन गेम्स, जितनी भी एशिया जो आपका महाद्वीप है उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है जिनको एशियाड भी बोला जाता है। 1951 से इंडिया में ही इनकी शुरुआत हुई थी। एशियन गेम्स हो गए। और कौन सा है? सैफ गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। दे आर डिफरेंट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं। इट्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर, सो गेटिंग बिट बोर्ड, बट डोंट बी गेट बोर्ड। आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग इन द एंड ऑफ माय लेसन, इन द एंड ऑफ माय क्लास। हियर वी गो। अब हमारा मेन पर्पस है इंटरनेशनल लेवल का हो गया कि गेम है जो उनका रोल क्या है, क्यों हम गेम्स पे स्पोर्ट्स पे इतना गवर्नमेंट इतना वर्ल्ड इतना स्पेसिफाई क्यों कर रहा है, ऐसा क्या लॉजिक है गेम्स का। तो गेम ही वो जरिया है, वो तरीका है जिसके द्वारा एक स्पेसिफिक क्वालिटीज एक इंडिविजुअल में डेवलप की जाती हैं। जो मेन 5 क्वालिटीज हैं वो देखिए, सिर्फ गेम है जो आपको टीम स्पिरिट सिखाता है। ग्रुप में खेलना कैसे, आप टीम में खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल का मैच कर रहे हो। अभी अगर हम केवी की बात करें तो रीजनल मैच है। रीजनल में आप अपनी, हो सकता है स्कूल में आपकी उस फ्रेंड से ना बनती हो, आपको उससे छोटा मोटा झगड़ा हो, लेकिन जब आप एक फुटबॉल टीम में अपने स्कूल की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं रीजनल में, देन यू शो योर टीम स्प्रिट। क्योंकि अगर वो स्प्रिट नहीं होगी तो आप उस मैच को विन नहीं कर पाओगे। दिस स्प्रिट डेवलप थ्रू दी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और क्या रोल होगा आप में, इसमें गोल सेटिंग होती है, आप गोल को अचीव करते हो, आप अपना गोल सेट करते हो और उसको अचीव करते हो। क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, वो अचीव किया, बाय चांस रह गया इस बार, दूसरी टीम अच्छी आई, देन यू विल फोकस फॉर द नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिशंस। दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी दैट क्रिएट्स इन योर ब्रेन इन योर बॉडी। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। द थर्ड वन इज लीडरशिप स्किल्स। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है स्पोर्ट्स आपको, जहां आप अपने इन स्किल्स को डेवलप करते हो, आप लीड करते हो अपने ग्रुप को। स्पोर्ट्स में जो हम खेलते हैं तो हर कोई लीडर होता है, कैप्टन लीडर नहीं है, अपने एरिया के आप खुद भी लीडर हो। और वो स्किल्स कब कब में आपकी पर्सनालिटी में आ जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए कहा गया है कि खेल का ग्राउंड हर विद्यालय में होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट वन इज आप इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ गेम का, रिस्क टेकिंग। लाइफ में रिस्क को लेना बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। अगर हम बिना रिस्क के अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहें तो वो हो ही नहीं पाएगा। चाहे आप वो खाने के लिए रिस्क हो, चाहे आपका करियर बनाने के लिए हो, या आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हो। द नेक्स्ट वन क्या है स्पोर्ट्स से क्या मिलता है? बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ओलंपिक्स को भी इसीलिए शुरुआत किया गया था। एक इस पॉइंट को मैं क्लियरली समझाऊंगी बेटा, कि जैसे आपने किया रीजनल लेवल, आप खेले हो रीजनल लेवल में, आप एक दूसरे की स्कूल को अपोजिट खेल रहे हो। हो सकता है जब दो स्कूल्स आपस, टीम्स आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो एक दूसरे को
एक कंपटीशन के भावना से देख रही हैं और फाइट कर रहे हैं दूसरे से, लड़ाई भी हो जाती है कई बार, वो ऑफिशियल्स के डिसीजन से सहमत नहीं होते या जो भी बात होती है। लेकिन जब आप नेशनल में अपने रीजन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तब क्या होता है, दो बच्चे स्कूल से हैं। जो बच्चे पहले लड़ रहे थे, रीजनल में लड़ रहे थे, उनमें क्या आ गया है, फ्रेंडशिप, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। क्यों? क्योंकि अब वो बच्चे जा रहे हैं नेशनल में अपने रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए और वो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वर्क करती है नेक्स्ट ईयर में भी। अब जब नेक्स्ट ईयर उन स्कूल्स का आपस में रीजनल कंपटीशन होगा तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे को दुश्मन की तरह नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने साथ में 15 दिन स्पेंड किए हैं कैंप में, कंपटीशन खेला इकट्ठे, तो उनमें फ्रेंडशिप की भावना डेवलप हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग, जो स्पोर्ट्स आपका डेवलप करता है। क्या है स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग? गेम्स में आपको कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, रणनीतिक सोच आपको बनाना पड़ता है कि हम ये करेंगे या फिर हम अपनी टीम में फिलहाल इस प्लेयर को इस पोजीशन पे रखें, इसको सब्स्टिट्यूट करें, ये पोजीशन अभी प्लेयर साइकोलॉजिकली प्रेशर में आके अच्छा नहीं खेल पा रहा है तो उसको लेके आए। ऑल दैट डिसीजंस यू हैव टू मेक ड्यूरिंग द कंपटीशन, दैट स्किल्स आल्सो डेवलप थ्रू द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दैट्स व्हाई वी नीड गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर टुडेज लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Now, the next topic. इसी खेल्स में बेटा जो नेशनल खेल्स हैं, इसी में एक टॉपिक है आपका खेलो इंडिया। आप सभी इससे परिचित भी हैं कि क्या है खेलो इंडिया, एक कॉन्सेप्ट है, किसने शुरुआत की थी, कब शुरू हुआ था ये कॉन्सेप्ट, 217 सबसे पहले हुआ था ये। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था कि खेलो इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 217 में स्पोर्ट्स कल्चर को स्टार्ट करने के लिए। कहां से स्टार्ट करना है, ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर से स्टार्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के ग्रास रूट लेवल से हम टैलेंट निकालेंगे। क्योंकि किस लिए शुरू किया गया था, हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और कला भी है, कौशल भी है, लोगों में स्ट्रेंथ है, जज्बा भी है करने का, लेकिन मेडल्स हमारे जब ओलंपिक की बात करें तो बहुत कम है एज कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन एंड एज कंपैरिजन टू आवर टैलेंट। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो हमारा हिडन टैलेंट है वो गांव में जमीनी स्तर पर दबकर रह जाता है, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है ये खेलो इंडिया प्रोग्राम 2017 में, जो फर्स्ट टाइम हुआ था। और इसका एम क्या है, अगर हम इसके एम की बात करें, इसका एम जो गवर्नमेंट ने रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एम में इन्होंने 3 थिंग्स रखी हैं, नर्चरिंग रॉ टैलेंट, किसको नर्चरिंग मतलब प्रारंभिक प्रतिभाओं का पोषण करना, नर्चर करना है, नर्चरिंग रॉ टैलेंट, जो हमारी प्रतिभा है बेसिक लेवल पे, जो रॉ टैलेंट है हमारा उसको हमें नर्चर करना है, गांव से उठाकर गांव का टैलेंट उठाना है। बहुत सारे गांवों में जैसे दूती चांद का आप एग्जांपल ले लें तो वो गांव से निकली हुई खिलाड़ी हैं, उसको हमें नर्चर करना है, उसको स्कोप देना है, एटमॉस्फेयर देना है ताकि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके। सेकंड क्या है इसका, प्रमोटिंग मास पार्टिसिपेशन। इन्होंने 3 एम इसमें रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इसमें जो भारत के युवा हैं वो करें। This is the second aim, and the third one is connecting rural India to the global games. जो आपका rural India है, जो गांव में भारत है, उसको global games से connect करना है। अगर हम बात करें तो जैसे global games कौन सा है, कबड्डी की बात करें हम तो कबड्डी एक तरह से अपना Indian culture में ज्यादा develop है। तो अगर हम गांव की बात करते हैं, गांव के रूट की, तो गांव में जहाँ खेल खेलने को मिलते हैं वो कबड्डी मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो रूट है। लेकिन उन प्लेयर्स में टैलेंट भी है, उनको आगे लेके आए ग्लोबल पर, उस ग्रामीण खेल को हमें लेके जाना है इंडिया को ग्लोबल गेम्स के लिए, कि भारत को वैश्विक खेलों में इससे जोड़ना है। जितने भी हमारे ग्लोबल लेवल पे गेम हो रहे हैं, जितने भी ओलंपिक्स में गेम है, ऐसे कई गेम्स हैं जिनमें आज तक भारत ने, इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो खेलो इंडिया का ये भी एक एम है कि ऐसे ग्लोबल गेम्स से रूरल जो इंडिया है वहां से हम टैलेंट को निकालें सर्च करके और वहां भारत अपने मेडल लाए। अब आगे चलते हैं कि ये
वर्क कैसे करता है, खेलो इंडिया है जो हमारा, ये वर्क कैसे करेगा. तो हाउ इट वर्क्स, खेलो इंडिया वर्क से ये एक हाई पावर्ड कमेटी है, उच्च स्तरीय कमेटी है कि जो बच्चों को टैलेंट को सर्च करके नियरली लेती है ये 1000 प्लेयर्स वन ईयर में, इनको सर्च करके 8 इयर्स तक इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है. वो स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है, 5 लाख टू ईच प्लेयर. इट्स अ बिग अमाउंट एवरी ईयर, 5 लाख मींस ऑन वन प्लेयर द खेलो इंडिया स्कीम इज स्पेंडिंग 40 लाख टू जस्ट एनहांस द एनहांस देयर कैपेसिटी, एनहांस देयर टैलेंट. That's the main thing of the Khelo India program. अगर उन्होंने 1000 players को लिया है और 8 years तक every year उन्हें 5 lakh देंगे. अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान से सुनना कि 5 lakh उन players को cash तो दिया जा रहा है, इसमें भी players को option दिया जाता है कि जो best player 1000 player सभी games के total मिलके 1000 है, किसी एक game में 1000 नहीं, तो उसमें उन players को option दिया जा रहा है कि जहां वो practice करते हैं या तो वो वहीं practice करते हैं उनके account में money transfer हो जाती है, या अगर उनको लगता है कि उनके वहां एटमोस्फियर ठीक नहीं है, उनके पास कोच नहीं है, तो उनको इंडिया कैंप पे ले लिया जाता है. साई उनको हायर कर लेती है, अपने पास रख लेती है और उनका रहना खाना आना तो वो इस 5 लाख में इंक्लूड हो जाता है, या उनको स्कॉलरशिप दी जाती है. बोथ थिंग्स विल वर्क टुगेदर. और प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है. ऐसा नहीं है कि एक बार प्लेयर 1000 में आ गया तो उसको 8 इयर्स तक कंटिन्यू वो ले रहा है हर महीने. उनके परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम जज किया जाएगा. कमेटी देखेगी कि वो मिसयूज तो नहीं कर रहा है फंड का, क्या वो रियल में उस एम को अचीव करने के लिए उस फंड को यूटिलाइज कर रहा है. देन दे विल कंटिन्यू, अदरवाइज कमेटी का डिसीजन होगा, वो उस प्लेयर्स को उस लिस्ट से निकाल भी सकते हैं. ओके, अब खेलो इंडिया की अगर गेम्स की बात करें, ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको खेलो इंडिया का बता दिया. 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो फर्स्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, फर्स्ट खेलो इंडिया, इसको थोड़ा सा समझना. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यस खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. आप में से कुछ बच्चे खेले भी होंगे उसको, जिनकी अचीवमेंट अच्छी रही है. फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो इनॉग्रेशन किया था, वो किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. और कहां हुआ था ये, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में. इसकी जो डेट थी वो थी हमारी ये 31 जनवरी से 2018. ये हमेशा जनवरी और फरवरी में, जो इनका पर्पस रखा गया, वो रखा गया कि जनवरी और फरवरी मंथ के अंदर इन खेलो इंडिया को रखा जाए. 2017 का जो इवेंट था वो 31 जनवरी 2018 से हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, और ये चला था हमारा 8 फरवरी तक. इसमें जो डिसिप्लिन हुए थे हमारे 16 डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था. और एज कैटेगरी की बात करें तो एज कैटेगरी क्या थी, अंडर 17 ओनली, बॉयज एंड गर्ल्स सभी को इसमें लिया गया था. और यहीं से स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई थी, यहीं टैलेंट को सर्च करके उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी. अब इसमें जो चेंज हुआ आगे जाके, ये था हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम. अब इसमें आगे देखना बेटा कि इसमें क्या किया, जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने अगस्त में एक मीटिंग रखी खेलो इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ, और उन्होंने इसका नाम बदलवा के खेलो इंडिया यूथ गेम्स करा दिया. वही चीज थी. तो अगर बात आती है तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल गेम्स वो सिर्फ एक ही बार हुए 2018 में. अगस्त 2018 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका नाम रखवा दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स. तो जो सेकंड इंडिया खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए थे, या कहेंगे फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, वो फिर हमारे 2019 में हुए थे. लेकिन अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो वो फर्स्ट थे, और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की बात करें तो वो सेकंड थे. सेकंड खेलो इंडिया गेम्स हुए थे हमारे 9 जनवरी से 19 टू, ये हुए थे हमारे गेम्स पुणे में 20 जनवरी 2020. पुणे का मतलब महाराष्ट्र में, यहां ये गेम्स हुए थे, इतने दिन ये चले थे. और इसी गेम्स को जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने रिकमेंड भी किया था प्ले इंडिया यूथ गेम्स. खेलो इंडिया का जैसे हिंदी का वर्ड आ जाता है खेलो, तो उन्होंने एक वर्ड दिया था प्ले इंडिया यूथ गेम्स भी. तो वो सेम चीज है, इनमें कंफ्यूज मत होना, प्ले इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स द सेम थिंग. इसके बाद एक खेलो इंडिया ऐप भी प्राइम मिनिस्टर और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने लॉन्च की थी विज्ञान भवन दिल्ली में 27 फरवरी 2019 को, यहीं पे 2019 में, सॉरी इट्स अ 19 नॉट 20
2019 को इन्होंने खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च किया था पूरे इंडिया के लिए, ताकि प्लेयर्स वहां से अपडेट ले सकें कि क्या स्कॉलरशिप है, किस किस को मिल रही है, कौन कौन से गेम इसमें है, नेक्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम कब होंगे, कहां से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप खेल सकते हो। एक तरीके से इस गेम्स को पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया गया, ताकि टैलेंट बाहर निकल के आए और लोग इसमें इन्वॉल्व हों। ओके, हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम हो गया। सेकेंड खेलो इंडिया स्कूल गेम, उसी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा गया है। और जो थर्ड खेलो इंडिया स्कूल गेम है, या उसको बोलेंगे हम सेकेंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो कहां हुए थे इसी साल, न्यूज़पेपर में बहुत आया था, वो आया था गुवाहाटी में, असम में। कब हुए थे अगर हम इनकी बात करें तो ये हुए थे 10 जनवरी से 22 जनवरी तक, 22/1/2020। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू वहां पर थे, बहुत सारे स्पोर्ट पार्टिसिपेंट्स थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, समझना, यहां पर क्या शुरुआत किया गया था कि दो एज कैटेगरी ले ली, अंडर 17 एंड अंडर 21। पहले जो बच्चे खेलते थे, गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था अंडर 17। फर्स्ट टाइम यहाँ पर अंडर 21 कैटेगरी भी बनाई गई। और ये जो यहाँ पर आपने गुवाहाटी में जब ये गेम्स हुए थे, तो इसमें 1000 बेस्ट प्लेयर्स को स्कॉलरशिप के लिए लिया गया था। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम है असम में, गुवाहाटी में, वहां पर ये गेम ऑर्गेनाइज हुए थे। अब इसके बाद आप समझना कि ये अंडर 21, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि अब इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ही खेलो इंडिया आपका जो गेम शुरू हुआ है अलग से, यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसी साल हुआ था, 2020 में ही हुआ था ये, और आपके हुआ था ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इनको इनॉग्रेट किया था, और ये हुए थे कटक में। इसमें किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसको समझना, कटक आपका उड़ीसा में है। इसमें 3400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 159 यूनिवर्सिटीज ने इसको रिप्रेजेंट किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी आप ध्यान देंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी रेगुलर पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं वही खेल सकते हैं। ओपन से अगर आप पढ़ाई करते हो या किसी और रिसोर्स से, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो किसी भी स्कूल में, सीबीएसई में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी भी जो ऑथराइज्ड बोर्ड है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेम एज इन यूनिवर्सिटी, योर एज लिमिट जो इसमें रखी है इन्होंने वो रखी थी 18 to 25 years आपकी एज होनी चाहिए इसमें, 17 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और आपको यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कोर्स में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए यहाँ पर। और जो सभी ने इसको मिलके यूनिवर्सिटी गेम्स को शुरू किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड देन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि स्कूल लेवल के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमें टैलेंट को सर्च करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल लेवल पर इतना एटमोसफियर नहीं मिल पाता है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। यूनिवर्सिटी में आके उनको जो फैसिलिटी मिलती है उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, तो उस लेवल पर भी एक टैलेंट को बूस्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। अब देखिए इसमें जो इंडोर स्टेडियम में हुआ था, एक इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज नोट करना कि यहां पर भी आप अंडर 21 खेल सकते हो और यहां पे भी वो एज कैटेगरी आती है। इसमें डिफरेंस ये है कि एक पार्टिसिपेंट किसी भी साल सिर्फ एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, आइदर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स और आइदर इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ऐसा नहीं है कि वो 12th में 20 ईयर्स का एक पार्टिसिपेंट है, उसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी खेल लिए और फिर उसके बाद जाके उसने खेलो इंडिया की 20 ईयर्स एज ग्रुप इसमें आ जाता है, यूनिवर्सिटी में किसी में भी एडमिशन प्राइवेटली दिखाया, दे विल नॉट अलाउ हिम टू प्ले और हर टू प्ले, दिस इज द मेन थिंग। अगला टॉपिक हमारा आता है कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर्स। खेलो इंडिया का स्ट्रक्चर अगर कंपोनेंट की बात करें तो हम क्या है, 12 कंपोनेंट्स खेलो इंडिया ने डिसाइड किए हैं जिसको प्राप्त करने के लिए, जिनको अचीव करने के लिए ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया। इट्स सच अ बिग प्रोजेक्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किया गया है। इसके 12 कंपोनेंट्स हैं, और या उनको आप स्ट्रक्चर कह सकते हो कि क्या बताया है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। इसका जो फंड होगा वो जितनी भी प्ले फील्ड हैं उनको डेवलप करने के लिए, कई फील्ड ऐसी होती है कि कई जगह ग्राउंड है, अब वो कैसे पता चला है,
आप देखिए, पहला जो खेलो इंडिया हुआ वहां एथलीट्स को छाटा गया. उन एथलीट्स को निकलने के बाद उनसे पूछा गया, उनका इंटरव्यू हुआ है सभी का छोटा छोटा, कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो,